तो लेह का वेदर कितना अनप्रिडिक्टेबल है, ये बात का आप इस बात से आइडिया लगाइए कि कल मैं आया था एक लेदर जैकेट में और आज एक लेनिन की शर्ट पहने हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ विशाल द्विवेदी एंड यू आर वॉचिंग अ न्यू स्पेशल व्लॉग। मैं हूँ इस समय नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली में कहाँ पे? नुब्रा वैली में हुंडुर में, और एक ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में। बहुत सुंदर रिजॉर्ट है ये, आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। सो गाइस, अभी टाइम है निकलने का। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग लेक, और नुब्रा से पैंगोंग को जा रहे हैं। जा तो ले से भी सकते थे गाइस। जो नुब्रा से पैंगोंग का जो रास्ता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग उसको इन्जॉय करेंगे मेरे साथ, मैं भी इन्जॉय करूँगा। और सुबह सुबह अभी हो रहा है 7:15, आई डोंट नो वॉच दिखा रही है नहीं, 7:15 हो रहे हैं। सुबह सुबह निकलने का रीज़न ये भी है क्योंकि अभी हम लोग जो विलेज क्रॉस करेंगे ना, वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग होती है। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे वाटर फ्लो बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं। सो लेट जस्ट कंटिन्यू आवर जर्नी। सो गाइस, अपनी जिप्सी हम कर चुके हैं कोल्ड स्टार्ट। यहाँ पे कार्स का लाइनअप देखिए, सारा ग्रुप्स यहाँ पे आ रखा है, राइट? सारी ऑफ रोडिंग कार्स यहाँ पे है ऑलरेडी, और हमारी जिप्सी हो चुकी है इस समय कोल्ड स्टार्ट। यस, सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। एक तो एक होता है सीनिक व्यू, और एक होता है पेंटिंग व्यू। ऐसा लग रहा है कि सामने एक मुझे किसी ने वॉलपेपर लगा के रख दिया है, इतना सुंदर लग रहा है। और आई नाउ होप कि आप लोग भी एक इंजॉय कर रहे होंगे व्यू। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है प्लीज। गाइस, ये व्यूज देखो कितने स्केरी रोड्स हैं। सिंगल रोड है और पूरा ऑफ रोड पे है, एक साइड खाई है और एक साइड पहाड़ है। बहुत ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी पड़ रही है, कॉज बहुत स्केरी रोड है। रोड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से है ये, लेकिन हाँ थोड़ा थ्रिलिंग भी है, एडवेंचर भी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ रियली वेरी स्केरी। तो गाइस, अभी रुके हुए हैं जस्ट खलसर से थोड़ा सा पहले। ओके, ये लास्ट यहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, इसके बाद मोस्टली दूर तक नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया कि बहुत दूर तक पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर। हालांकि पेट्रोल था, हाफ से ऊपर था, लेकिन उनको रिस्क लेनी है, पूरा फुल करा लो फिर निकलते हैं। और रूट क्या लिया है, हुंडुर से हम लोग आए हैं डिस्किट, डिस्किट से खलसर जाएंगे। खलसर से 2 किलोमीटर आगे ही लेफ्ट टर्न है, वहाँ से मुड़ के हम लोग पैंगोंग के लिए मुड़ जाएंगे। तो गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी कैप भी बाहर आ गई है। दूसरा इशू हो रहा है कि इसकी विंडो इससे ऊपर नहीं चढ़ रही है, तो भाई मेरी हालत ख़राब है। और जो मेन बात ये है कि हम लोग ने पैंगोंग के लिए टर्न ले लिया है, खलसर से जस्ट आगे 2 किलोमीटर आगे चल के आपको टर्न लेना होता है, और कुछ इस तरीके से रूट है। फ्री फॉल स्टोन यहाँ पे अच्छे खासे हैं गाइस, बहुत केयरफुली आए आप लोग। आए सी कितने फ्री फॉल स्टोन हैं पड़े हुए रास्ते में, बारिश भी हो रही है। So far, so very amazing. As you guys can see, पूरी वाटर क्रॉसिंग स्टार्ट हो चुकी है अब निकलने के लिए, और ये टाइम सही था, हम लोगों ने सही सिलेक्ट किया है, लेकिन अभी भी वाटर क्रॉसिंग है अच्छी खासी। ओके, आगे वाटर क्रॉसिंग भी आने है, बहुत अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग आगे भी आएगी। कितनी डीप है ये वाटर क्रॉसिंग, क्रॉस करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर से पहाड़ चढ़ रहे हैं। As you guys can see, तो गाइज अपना माउंटेन क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए प्लेन एरिया में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, प्लेन है, और जो रिवर है बगल में उसके ही अलोंग हम लोग चलेंगे पैंगोंग तक। यस, हमारे साथ में रहेगी वो रिवर। पैंगोंग
टाउन के लिए लेफ्ट जाना है, ले के लिए राइट जाना है, ये दोनों रूट्स हैं सामने की तरफ। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बस हम लोग निकल रहे हैं इसमें पैंगोंग के लिए। रूट्स अमेजिंग है, स्केरी एट द सेम टाइम, मज़ा आ रहा है। चलो चलते हैं, ट्राई कंटिन्यू करते हैं। जिप्सीज परफॉर्मिंग गुड एज वेल। जैकेट भी पहननी पड़ी, यू नो कैप भी लगानी पड़ी, सारा सिस्टम बनाना पड़ा अपना। और हम लोग चल रहे हैं सर पैंगोंग वाले रास्ते पे। यहाँ से श्योक है एक जो गांव पड़ता है जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग होती है बहुत ज़्यादा, वो है 44 किलोमीटर्स। यू नो वो बस क्रॉस हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और हालांकि व्यूज़ तो भी बहुत अमेजिंग आ ही रहे हैं। जस्ट चेक आउट द व्यू, कितना भयानक फ्लो है पानी का। ओ माई गॉड, रोड भी खराब है, पानी का फ्लो भी इतना भयानक है, वॉट टू से। मजा आ रहा है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आप लोगों को कितना मजा आ रहा है बताइए कमेंट सेक्शन में। कितनी खतरनाक रोड है गाइस, देखिए चेकआउट करिए कितनी खतरनाक रोड है। पूरा ये वाटर क्रॉसिंग का है, अभी यहाँ पे पानी नहीं मिला है, हालांकि पूरी वाटर क्रॉसिंग की रोड है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा ग्रेवल है, अभी यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन आगे जो वाटर क्रॉसिंग आने वाली है भाई साहब गदर है वो गदर। कितनी पैची रोड है, पूरे स्टोन ही स्टोन पड़े हुए हैं, लेकिन जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है सही मैंने बताया, अमेजिंग अमेजिंग। वाटर क्रॉसिंग दिख रही है मुझे यहाँ से, आप लोग भी देखिए सामने दिख रही है। आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, लेट्स गो। और रोड्स तो कितने अमेजिंग हैं आप देख ही रहे हैं भाई, एकदम फाड़ू रोड्स हैं। इतनी भयानक वाटर क्रॉसिंग, आगे कैसे निकला जाए, चलो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग हमारी क्रॉस हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्योंकि और भी वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है, लेट्स गो। गाइस इस समय हम लोग बादलों के बीच में हैं, ये बारिश आप जो देख रहे हैं सडनली होने लगी है क्योंकि हम लोग जस्ट बादल लेवल पे आ गए हैं। ऊपर देखिए धुंध छाई हुई है पूरी, इसका मतलब ये है हम लोग बादलों के बीच में चल रहे हैं। किस किस ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज। सो फैमिली राइट नाउ आई एम इन श्योक,
यस, ये ऑन द वे पड़ता है अगर आप नुब्रा से पेंगोंग जा रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट विलेज है जो हम लोगों ने अभी इनकाउंटर किया है। व्यू चेकआउट करो यार, क्या बातें कर रहा हूँ मैं, व्यू तो देख लो। अरे कोई तो रोक लो, ये पूरा क्लाइंब करके आए हम लोग। सामने देख रहा हूँ कार्स आ रही हैं, आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, बट देखिए सामने कार्स आ रही हैं, पूरी एक किले क्लाइंब करके आए हैं। बारिश हो रही है। बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि भाई बीच बादलों में हैं हम लोग। बादल देखिए ना, हाथ से पकड़ने वाले बादल हैं, देखिए दिख रहे होंगे सारे। और ये अपनी कार खड़ी हुई है 4x4। चलो चलते हैं पेंगोंग की तरफ। सो गाइज, अभी एक जंक्शन पॉइंट पे रुके हुए हैं। यहाँ पे एक हॉल्ट है, ओके, जो पीछे मेरे तिराहा काइंड ऑफ आप देख रहे हैं, वहाँ से एक रास्ता चला जाता है ले के लिए, और जिस पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं ये स्ट्रेट रास्ता जाता है आपका पेंगोंग के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ देखते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं और निकलते हैं अपनी ट्रिप पे। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन तंसी। ये एक चेक पोस्ट है जस्ट पेंगोंग से पहले। यहाँ पे जो आप ILP लेके आए होंगे इन अलाइट बैठ, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, ओके, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ करा लीजिए। इसलिए मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं 4-5, तो करा लीजिए, ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे चेक दिखाना होता है, उसके बाद ही आपको एक नंबर देते हैं, जैसे मुझे नंबर दिया है, मैं चेक पोस्ट में बताऊँगा ये नंबर एंड अपनी व्हीकल अंदर जाने दूँ। सुंदर लग रहा है, एकदम ब्लू है यार, ओ माय गॉड। एक तो ब्लू मेरा फेवरेट कलर, ऊपर से ये ब्लू लेक, गॉश इतनी मेहनत सफल हो गई यहाँ तक आने की। पूरे आपके गोल्डन माउंटेन्स, ऊपर से वाइट स्नो और नीचे ब्लू लेक, इससे बेटर आई जस्ट कांट से कोई व्यू हो सकता है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। फैमिली ये है ब्यूटीफुल सा हमारा पेंगोंग लेक। आई जस्ट कांट, यू नो मैं व्लॉग कम कर रहा हूँ और मैं देख ज़्यादा रहा हूँ लेक को, इतना मुझे, मैंने कैमरे में भी चेक किया, कैमरे में वो कलर नहीं आ रहा है जो हमारी आँखों से कलर दिख रहा है। गाइस बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं यूज़ करी। और ये साथ में देखिए ये हमारे भैया, ऑफकोर्स ही बात है पेंगोंग लेक फेमस ही हुई है 3 Idiots से, तो उसका सारा ये सब रखा हुआ है सिस्टम, राइट, उसका ये स्कूटर और साथ में जो उसमें बम्स वाली जो चेयर है वो भी है, सारा सेटअप है यहाँ पे। ओके गाइस, पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है, ओके, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसमें, मतलब कि, और गजब का ठंडा भी है, ठंडा भी बहुत है पानी, राइट। व्यू चेकआउट करो यार, पूरा ब्लू शेड, जो जितने भी ब्लू के शेड्स होते हैं वो सारे इसमें शो हो रहे हैं। दूर आप देखोगे तो डार्क ब्लू दिख रहा है, उसके पहले देखोगे लाइट ब्लू है, यहाँ पे आके क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ये है अमेजिंग हमारी पेंगोंग लेक। सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन पेंगोंग लेक। आप
चेक करिए कितना सुंदर लग रहा है पीछे, राइट। और ये वाटर जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जैसा मैंने आपको आपको दिखाया। ओके, दूर दूर से इसके शेड्स बहुत डार्क ब्लू दिखते हैं, जैसे पास आते जाएंगे, ओके, जैसे कि आप पास में देखेंगे तो शेड जो है ना थोड़ा लाइट ब्लू में कन्वर्ट होते हैं और पास में एकदम वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। सो गाइज, ये है मैजिक हमारी पेंगोंग लेक का। हालांकि दूर बहुत है, रास्ता भी बहुत ख़राब है, लेकिन पूरा वर्थ है ये व्यू चेकआउट करने के लिए। सो आई होप आप लोग भी ये चीज़ पसंद कर रहे होंगे, राइट। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग ये चीज़ पसंद कर रहे हैं, राइट, कैसी लग रही है लेक, कैसी लग रही है जैकेट, ओके, कैसी लग रही थी जिप्सी अपनी, सारी चीज़ें बताया करो यार कमेंट सेक्शन में। ऐसे सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है, जो जो लग रहा है वो सब सारा कमेंट सेक्शन में बताया करो। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू टेक लीव, अलविदा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग भी अमेजिंग होने वाला है। आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जो हम लोग रोड में थे ना, वो मोस्ट डेंजरस रोड्स थी, आपने चेकआउट करी हुई हैं। मेरी लिटरली फटके हाथ में आ गई थी, हाँ, लेकिन वो था थोड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी था। यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी है, इसलिए मेरी सांसें भी थोड़ी हैवी हैवी हो रही हैं। जो रोड्स थी ना वो गजब थी, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, डर भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। तो आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय किया है देन सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी जो आना चाह रहे हैं या पैन आउट करना चाह रहे हैं। वेदर ले का क्या रहता है, ले का वेदर क्या है ना, चेंज होता रहता है हर आधे घंटे में। आप जैसे क्रॉस करोगे आपको नहीं पता कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ ठंड है, कहाँ धूप निकली है। अब यहाँ का सीन क्या है, यहाँ पे धूप भी है, यहाँ पे हवा भी चल रही है, ठंड भी लग रही है, इसलिए मैं ओके। तो अगर आप ले प्लान कर रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि अगर आप ले प्लान कर रहे हैं देन अपने जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करें, राइट, क्योंकि यहाँ पे धूप भी होगी, यहाँ पे ठंड भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैकेट आप रख लेंगे तो आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, है ना। टी शर्ट्स भी रखें, जैसा भी करना चाह रहे हैं, समर्स के भी रखें एंड विंटर्स के भी रखें। तो एक छोटा सा सजेशन था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इट नाउ इट्स टाइम टू टेक लीव, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग में। बाय बाय।